नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस एमपीपीएससी के मेंस राइटिंग क्लासेस में। अभी तक हम राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्या क्या डायनेस्टीज हैं, उन डायनेस्टीज का हमने अध्ययन किया हुआ था। उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है होलकर रियासत। मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में अपने कल्याणकारी कार्य के माध्यम से होलकर रियासत का नाम पूरे देश में लिया जाता है। हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अहिल्या बाई के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और उस विश्वनाथ कॉरिडोर में अहिल्या बाई की मूर्ति भी लगवाई। तो इससे आपको होलकर वंश का महत्व समझ में आ रहा होगा कि होलकर वंश कितना महत्वपूर्ण है और उसी वंश को हम आगे लेकर चल रहे हैं, कैसे उस वंश की स्थापना हुई और उस वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक थे और क्या क्या कार्य थे। साथ ही हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या प्रश्न संभावित इस होलकर वंश से लेकर या प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न जो है हम पूछ सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी आस्क इन मेंस एंड प्री एग्जामिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश पीएससी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द होलकर डायनेस्टी। मां अहिल्याबाई की मूर्ति है, लाल महल है और ये महेश्वर के घाट बने हैं। मल्हार राव होलकर राजबाड़ा है और ये अंतिम शासक है। होलकर डायनेस्टी की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है मालवा का, यहां पर होलकर वंश की स्थापना हुई। ये मालवा का इलाका विंध्य पर्वत के उत्तर में और उनकी पड़ोस में जो थे वो सिंधिया रियासत थी और राजस्थान और गुजरात में जो अधिकतर राजपूत रियासतें। अंग्रेजों का काल आ चुका था और जिस समय मालवा में होलकर वंश की स्थापना हो रही थी वहीं पर बंगाल में अंग्रेज अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, इन सबके बीच में मालवा रियासत के होलकर शासकों ने अपने न केवल साम्राज्य को सुरक्षित किया वरन वहां पर शांति प्रगति की वो व्यवस्थाएं की कि अन्य रियासतों के लोग भी वहां आकर बसने लगे। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री द होलकर डायनेस्टी एडॉप्टेड अ प्रोग्रेसिव अप्रोच इन प्रोवाइड स्टेबिलिटी पीस एंड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन फॉर देयर पीपल। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ अदर एरियाज आल्सो मूव टूवर्ड्स मालवा रीजन एंड सेटल्ड देयर। यह है इस मालवा के होलकर वंश की सोच का, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों के लोग भी यहां आकर बसने लगे और धीरे धीरे इस रियासत की तरक्की होने लगी। और मालवा वैसे भी एक स्थान ऐसा जिससे गुजरात से कनेक्शन है, जहां से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पर प्राचीन काल का चंदेरी और महेश्वर आर्ट भी मिलेगा, कुछ ही शिल्प भी मिलेगा, धार का कुछ ही शिल्प, चंदेरी आर्ट और साथ ही साथ महेश्वर की कला। तो कला की दृष्टि से दूसरा अपनी लोकेशन की दृष्टि से एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी आसानी से होलकरों ने प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। दूसरी बात करें, यह इलाका जो है एक तरफ अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ विंध्यांचल माउंटेन बना हुआ है, इसकी नॉर्थ में बॉर्डर यमुना नदी के द्वारा बनी होती है, एक नेचुरल बॉर्डर इसको मिल गई है। इस तरीके से यहां पर यह होलकर वंश की स्थापना हुई और यहां पर मालवा में होलकरों ने शासन। तो अब इस हम मालवा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि मालवा के प्राचीन इतिहास क्या रहा है। तो ये है मालवा रियासत के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, ये है मालवा। तो ये इंदौर से नीचे नीचे तक ये इंदौर रियासत मालवा का है, ये मध्य भारत का रियासत का हिस्सा है। लिखा हुआ देखिए ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, ये मध्य भारत का इलाका है, ठीक है, और ये होलकर स्टेट का इलाका कहलाता है।
होलकर स्टेट का केंद्र बिंदु इंदौर था, जिसके पहले शासक मल्हार राव होलकर थे, अंतिम शासक यशवंत राव होलकर थे। वर्तमान में उषा देवी होलकर है जो प्रेजेंट में, पहले कौन थे मल्हार राव होलकर, अंतिम कौन थे आजादी के समय यशवंत राव होलकर, वर्तमान में हेड है अभी राजा नहीं कहलाएंगे उषा देवी होलकर। क्लियर है। होलकर वंश के बारे में देखें तो होलकर वंश की वंशावली है। इस वंशावली में मल्हार राव होलकर संस्थापक है सबसे पहले, मल्हार राव के बाद माले राव, और माले राव के बाद अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने इस होलकर वंश को आगे बढ़ाने का काम किया और इसको पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई। और प्रसिद्धि का तात्पर्य यहां युद्ध नहीं होता, प्रसिद्धि का तात्पर्य यहां जन कल्याणकारी कार्य, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। अहिल्याबाई होलकर एज अ रीजेंट रही, रीजेंट मतलब संरक्षक के रूप में काम किया। उनका पुत्र छोटा था इसलिए अपने पुत्र की संरक्षिका बनी माले राव की, और माले राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से लेकर 1795 तक वास्तविक शासिका के रूप में शासन किया। देन तुकोजीराव होलकर, काशीराव होलकर, खांडेराव होलकर, यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर द्वितीय, मार्तंड राव होलकर, हरिराव होलकर, खांडेराव होलकर, फिर तुकोजीराव होलकर द्वितीय, फिर शिवाजीराव होलकर, फिर तुकोजीराव होलकर द्वितीय, फिर यशवंत राव होलकर द्वितीय, अंतिम शासक है। आजादी के समय जब देश को आजादी मिली तब यशवंत राव होलकर यहाँ के प्रमुख शासक थे। ये लिस्ट देने का तात्पर्य केवल ये नहीं है, ये लिस्ट का है कि आपको क्रोनोलॉजी याद रहे कि इतने शासकों ने शासन किया 1731 से लेकर 1940, कुल 15 लोगों का शासन होलकर वंश। ठीक है, ये लिस्ट का तात्पर्य केवल इतना है। तो इस लिस्ट को आप नोट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको क्रम बना रहेगा, एक ऑर्डर में पढ़ेंगे हम सारा कुछ, किसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, तो आपको क्या है पढ़ने में थोड़ा ब्रेन आपको समझ जाएगा नहीं ये पढ़ना है। वास्तव में पढ़ना हमको केवल एक दो चीजें हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना हमको। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई होलकर, बाकी बहुत विशिष्ट नहीं है हमारे लिए, पर प्री में सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा इस लिस्ट को कि मल्हार राव होलकर, माले राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी राव होलकर फर्स्ट, काशी राव होलकर, खांडे राव होलकर, यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर द्वितीय, मार्तंड राव होलकर, हरिराव होलकर, खांडे राव होलकर, तुकोजी राव होलकर द्वितीय, शिवाजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर तृतीय, यशवंत राव होलकर। लिस्ट का फायदा क्या है? अहिल्याबाई होलकर के बाद कौन शासक बना? निम्न में से कौन होलकर वंश का शासक नहीं रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाज नॉट अ रूलर ऑफ होलकर डायनेस्टी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्नों को? तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ होलकर डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी? हु सैट ऑन थ्रोन आफ्टर मल्हार राव होलकर? मल्हार राव होलकर के बाद कौन गद्दी पर बैठे? तो ये लिस्ट आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए सपोर्ट करने का काम करेगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब आप करेंगे तो ये लिस्ट आपको सपोर्ट करने का काम करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मालवा के होलकर वंश के पूर्व का स्थिति, मतलब जब से हमने होश संभाला है इस धरती ने, मालवा ने, जो एक प्लेटू है मालवा का जो ज्वालामुखी की लावा से काली मिट्टी का क्षेत्र, थोड़ा सा कम वर्षा वाला क्षेत्र, थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र, आर्थिक दृष्टि से काफी प्रगतिशील क्षेत्र है, वेरी प्रोग्रेसिव एरिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। तो यहां पर किस तरह की व्यवस्था थी तो उसकी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि यहां पर जो है वी फाउंड द प्रूफ ऑफ कैलकुलेटिक पीरियड इन मालवा। मालवा में हमको ताम्र पाषाणिक स्थल मिलते हैं। वी फाउंड द प्लेसेस ऑफ कैलकुलेटिक पीरियड इन कायथा ऑफ मालवा रीजन। कायथा सिचुएटेड उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ काली सिंध रिवर। इट ऑल्सो बर्थ प्लेस ऑफ बारामीन। दिस प्लेस वॉज एक्सप्लोर बाय बी एस वाकड़कर। मेनली यहां मिले हैं
हड़प्पा प्रभाव तांबे के 29 कंगन मिले हुए, कुल्हाड़ी मिली है और कई किलेबंद बस्तियां मिली है। वी फाउंड वेरियस टाउनशिप विद फोर्टिफिकेशन, यहां पर बहुत सारी बस्तियां किलेबंद रूप में मिली। तो एक कायथा हो जाएगा आपके पास। कायथा के अलावा यहां पर एक और ताम्रपाषाण स्थल, इसको कहते हैं हम मालवा कल्चर। मालवा कल्चर विशिष्ट रेड पॉटरीज है जिन्हें क्या कहते हैं मालवा मृदभांड कहा जाता है, जो ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सबसे बेस्ट माने गए, सबसे उत्कृष्ट माने गए हैं। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से, नर्मदा टोली, एरन, त्रिपुरी में भी मिलता है, त्रिपुरी जबकि यहां नहीं, त्रिपुरी कहां पर है, नर्मदा घाटी में जबलपुर जिले के पास, नागदा, ये मालवा संस्कृति के यहां से चरखे और तकलियां प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा प्राचीन मालवा की संस्कृति का हिस्सा। इसके बाद यहां पर वैदिक संस्कृति का तो कोई स्थल नहीं है, परंतु महाजनपद काल की एक जगह है अवंती, द रीजन ऑफ मॉडर्न मालवा, द कैपिटल नॉर्थ अवंती उज्जैनी एंड साउथ कैपिटल महिष्मति। बुद्ध के समय यहां का राजा चंद प्रद्योत है। बुद्ध के समय यहां का राजा कौन है, चंद प्रद्योत वॉज द रूलर ड्यूरिंग बुद्ध पीरियड। फाइनली अवंती बिकम द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर व्हेन शिशुनाग कंक्वर्ड दिस अवंती रीजन। तो किसने जीता इस अवंती को, शिशुनाग ऑफ मगध, शिशुनाग ऑफ मगध कंक्वर्ड दिस प्लेस, कंक्वर्ड अवंती। अवंती को जीतने का काम किसने किया, शिशुनाग ने किया। शिशुनाग कौन है, रूलर ऑफ मगध, मगध के राजा ने इसे अपने में मिला लिया। इस तरह अवंती का इंडिपेंडेंट अस्तित्व खत्म। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि मौर्य पीरियड हो तो ये अशोका का टाइम पीरियड रहा है, अशोक यहाँ का गवर्नर भी रहा है, मौर्य शासक अशोक, अशोक यहाँ का विदिशा का राज्यपाल रहा है, एंड आल्सो मैरिड विद वैदिश महादेवी ऑफ विदिशा। विदिशा की वैदिश महादेवी से विवाह किया हुआ है। ठीक है, शुंग वंश के बारे में बात करें तो मौर्य के बाद आएगा शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी में भी हमें एक जानकारी मिलती है, द हेलियोडोरस, अ ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस एस्टैब्लिश अ गरुणा पिलर एट बेसनगर। बेसनगर में एक गरुण पिलर का स्थापित किया जिसे आज हम विदिशा के नाम से जानते हैं। इस बेसनगर में गरुण स्तंभ की स्थापना की थी। क्लियर है, किसने की थी, हेलियोडोरस ने यहां पर की थी, जो सुंग रूलर भागभद्र के समय आया। He came in India during the time period of भागभद्र। ठीक है, भागभद्र के समय आया। क्लियर है, इसके बाद हम देखेंगे यहां पर शक रूल भी रहा है। शक जिन्होंने शासन किया है मालवा में, they known as the कार्बदक डायनेस्टी, कार्बदक वंश के थे। और इसका फेमस रूलर था रुद्रदामन, यहां पर शासक थे। द लास्ट शक रूलर इन मालवा, अंतिम शक शासक जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह थर्ड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शक डायनेस्टी। रुद्र सिंह थर्ड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शक डायनेस्टी। रुद्र सिंह तृतीय जो है शक वंश का अंतिम शासक। इस रुद्र सिंह तृतीय ने को समाप्त करने का काम किसने किया, तो गुप्त ने किया था। गुप्त राजा है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड फाइनली डिफीटेड रुद्र सिंह थर्ड एंड किल्ड हिम इन बैटल। And this area was captured by Guptas from Malwa to Gujarat. Rudra Singh Tritiya को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा से लेकर गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो अब मालवा किसके अंडर में जाएगा, मालवा नाउ बिकम द पार्ट ऑफ गुप्त रूलर। बिल्कुल शॉर्ट में हिस्ट्री बता रहा हूं मैं मालवा की।
अब ये किसके अंडर में जाएगा? गुप्त शासकों के अंडर में जाएगा। वी फाउंड इंस्क्रिप्शन ऑफ एरन उदयगिरी ऑफ गुप्ता इन एनसाची। एरन अभिलेख जो है वो हमें मिलता है, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन वी फाउंड एंड सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें गुप्त काल के मिलते हैं। एंड हूंस आल्सो रीच्ड, हूणों का जो आक्रमण होता है दे आल्सो रीच्ड अप टू मालवा। बेबी मालवा तक पहुंच गए। और एक रूलर है मालवा का यशोधर्मन, इसका वंश है ओलिकर वंश, ओलिकर वंश का है यशोधर्मन। वास्तव में हूणों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का काम किसने किया है? यशोधर्मन है, नॉट गुप्तास। स्कंद गुप्त ने केवल हराया है पर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, स्पेशली मालवा रीजन। मालवा रीजन में हूणों को पूरी तरह खत्म करने का काम किसने किया? यशोधर्मन। इसने हूणों को समाप्त कर दिया। He found the detail of यशोधर्मन from मंदसौर inscription। इसकी जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती कि यशोधर्मन ने हूणों को पूरी तरह खत्म कर दिया। Now हून ruler मिहिर कुल shifted his empire in कश्मीर। तो हूण कहां चले गए? कश्मीर में चले। क्लियर है? तो गुप्त है, गुप्त के बाद कौन आ गए? हूंस, और हूंस के बाद आ जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की डायनेस्टी यहां। क्लियर है? तो ये यहां तक की डिटेल है अभी तक। और इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद मालवा में आ जाता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार रूल इन मालवा। तो यहां पर गुर्जर प्रतिहारों ने मालवा क्षेत्र में शासन किया। और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार नाउ इंडिपेंडेंट डायनेस्टी फाउंड एस्टैब्लिश इन मालवा, परमार डायनेस्टी। अब मालवा में इसके बाद परमार वंश का शासन आता है जिसके प्रसिद्ध राजा हैं भोज। इसकी कैपिटल क्या है? धार है। देखिए हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं कि होलकर के आने के पहले मालवा में क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, नहीं तो राजा भोज ही एक लंबा पीरियड है पढ़ने के लिए हमारे पास। तो राजा भोज आप अपने अलग से पढ़ लीजिए, परमार डायनेस्टी पढ़ेंगे कि राजा भोज क्या है। उसी फॉट विथ चालुक्य ऑफ गुजरात, कल्याणी ऑफ चालुक्य, कलचुरी, चंदेल, इन सबसे उसका संघर्ष हुआ है। वो जितना विक्ट्री में नहीं जाना था, ही वॉज नोन फॉर हिज कल्चरल एक्टिविटीज। अब कल्चरल एक्टिविटीज क्या है उसकी? बुक्स लिखी है अराउंड 23 बुक्स, सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, श्रृंगार प्रकाश, ये बुक्स उसने लिखी हुई है। ये आल्सो प्रोवाइड सेल्टर टू वेरियस राइटर्स, पोएट, बहुत सारे कवि और लेखकों को उसने संरक्षण प्रदान किया, पैट्रोनेस। इसलिए उसकी मृत्यु पर कहा गया कि अब सरस्वती बिना आलंब की हो गई है, थार नगरी निराधार हो गई है और सब पंडित खंडित हो गए। मतलब अब विद्या का कोई रखवाला नहीं रह गया। इस धार में संस्कृत कॉलेज बनवाया, वहां पर बाघ देवी की मूर्ति बनवाई, बाद में उस जगह को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, भोजपुर में शिव मंदिर बनवाया, भोपाल में बड़ा तालाब बनवाने का काम किया, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया। तो ये एक्टिविटी आप लिख देंगे राजा भोज की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य क्या क्या किए। और राजा भोज के सम्मान में हमने भोपाल हवाई अड्डे का नाम राजा भोज रखा है, भोज मुक्त विश्वविद्यालय बनाया हुआ हमने। ठीक है, तो ये भोज का आंसर हो जाएगा आपका अगर आप भोज कभी लिखने आए तो। क्लियर समझ में आ रहा है? तो परमार डायनेस्टी में कौन आ जाएगा? राजा भोज आ जाएगा। परमार वंश में एक राजा है महलक देव।
बहुत बाद में राजा भोज के बहुत बाद में महलक देव, महलक देव वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन कमांडर आइन उल मुल्तानी। अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क ने इसे पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? अलाउद्दीन के सेनापति ने। अलाउद्दीन के सेनापति ने इसे हरा दिया। और अब किसके अंडर में जाएगा मालवा? नाव मालवा अंडर सल्तनत पीरियड। अब मालवा में सल्तनत काल की बात आ जाएगी। तो परमार वंश जो है सीयक के समय शुरू हुआ, सीयक मुंज राजा भोज से होते होते महलक देव तक चले आए, और महलक देव के समय अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क डिफीटेड महलक देव एंड कैप्चर्ड दिस रीजन एंड नाउ मालवा बिकम द पार्ट ऑफ सल्तनत। पर अब मालवा सल्तनत काल का सल्तनत का हिस्सा बन जाए। तो सल्तनत में काफी लंबा शासन चलेगा, पर जैसे ही सल्तनत काल कमजोर होगा मालवा पर इंडिपेंडेंट रूल आ जाएगा। मालवा पर क्या होगा? स्वतंत्र शासन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, मालवा पर किसकी शुरुआत हो जाएगी? स्वतंत्र शासन की शुरुआत हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। तो मालवा में दो वंश शासन करेंगे, स्वतंत्र वंश, दो वंश शासन करेंगे। ठीक है, पहला वंश होगा गौरी, गौरी वंश, और दूसरा वंश होगा खिलजी वंश। गौरी वंश एंड खिलजी वंश, दीज टू डायनेस्टी रूल्ड इन मालवा After the, due to the weakness of सल्तनत period, सल्तनत काल की कमजोरी का फायदा उठाकर यहां पर इस वंश की स्थापना हुई। तैमूर लंग ने 1398 पे दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, तो तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमजोर हो गई, जिसका फायदा यहां के इक्तादार को मिला। जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर। ठीक है, तो 1401 से लेकर 1436 तक, और 1436 से लेकर 1531 तक ये दो डायनेस्टी ने मालवा में रूल किया, गौरी डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी। क्लियर है? तो पहले कौन सी डायनेस्टी हमने बताई आपको? गौरी डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी, इसने रूल किया। तो फाउंडर कौन है? फाउंडर जो भी होगा वो गौरी वंश का होगा, गौरी वंश क्योंकि पहले आया है, इसलिए गौरी वंश का जो व्यक्ति होगा वही संस्थापक कहलाएगा। तो यहां पर मालवा में मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति है दिलावर खान, ये नाम आप याद रखेंगे। तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? दिलावर खान। इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट फॉर्म्ड इन मालवा बाय दिलावर खान, दिलावर खान ने मालवा में स्वतंत्र वंश की स्थापना। डाउट किसी को? तो मालवा में कौन से वंश की स्थापना की? इसकी। ठीक है, फिर इसका वंश का फेमस रूलर है अलप खान। क्या नाम है? अलप खान। He sat on throne in the name of हुसंग शाह। ये हुसंग शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। किसके नाम से बैठा? हुसंग शाह के नाम। ठीक है, He sat on throne in the name of हुसंग शाह। हुसंग शाह का नाम पता है? हुसंग शाह ने होशंगाबाद शहर की स्थापना की, नॉट नोन एज नर्मदा नगर, जिसे अब हम नर्मदा नगर के नाम से जानते हैं। हुसंग शाह कैपिटल वॉज मांडू, इसकी कैपिटल क्या थी? मांडू। तो मांडू का किला बनवाएगा ये। ठीक है, क्या बनवाएगा? मांडू का किला बनवाएगा। ठीक है, और इसका मकबरा भी कहां है? मांडू। इसके बाद यहां पर आ जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा? खिलजी वंश। हुसंग शाह के बाद यहां पर खिलजी वंश आ जाएगा, जिसका प्रसिद्ध शासक होगा महमूद खिलजी। देखिए, मैंने इनडायरेक्टली आपको मालवा की सल्तनत काल की पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ा दी। राइट डाउन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मालवा ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनतकालीन मालवा, सल्तनतकालीन मालवा की राजनीतिक स्थिति बताइए। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली राजनीतिक स्थिति पता पड़ गई। दो वंशों ने शासन किया, दिलावर खां और उसमें हुसंग शाह लिख देंगे आप गौरी वंश में,
खिलजी वंश, महमूद खिलजी। ही फॉट विथ राणा कुंभा, राणा कुंभा ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ या मेवाड़, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से इनकी लड़ाई हुई। दोनों लोगों ने दावा किया कि हमने जीता, इन्होंने बोला हमने जीता। इसने अपनी विजय के उपलक्ष में सतखंडा महल बनवा दिया, कंस्ट्रक्टेड सतखंडा पैलेस एट मांडू, 7 स्टोरी बिल्डिंग, सतखंडा महल बनवा दिया। कहां बनवा दिया? मांडू में बनवा दिया। किसने बनवाया? महमूद खिलजी ने। क्यों बनवाया? बिकॉज ही क्लेम दैट ही डिफीटेड राणा कुंभा एंड बोथ क्लेम टू ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे पर दावा किया है। राणा कुंभा ने वहां पर जाके क्या बना दिया? विक्ट्री पिलर बनवा दिया। यहां पर इसने सतखंडा महल का निर्माण करा दिया। क्लियर है? वेरी नाइस नीलेश, नितेश। सतखंडा महल बनवाया इसने राणा कुंभा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा शासक था। इसके बाद जो है स्थिति गंभीर होती चली गई मालवा की, ठीक है। और मालवा में क्या हुआ? मेदिनी राय की एंट्री। अब कैसे मेदिनी राय की एंट्री हुई? एक शासक है महमूद खिलजी सेकंड, इसका पीएम है मेदिनी राय, इसका प्रधानमंत्री कौन है? मेदिनी राय, ठीक है। अब मेदिनी राय ने राणा सांगा की हेल्प से चंदेरी मिल गया। क्या मिल गया? चंदेरी मिल गया। तो आएगा मेदिनी राय किसका प्रधानमंत्री था? महमूद खिलजी था। बिल्कुल ठीक लिखा नीतीश। इसके क्या आएगा कि मेदिनी राय किसका प्रधानमंत्री था? महमूद खिलजी, ठीक है। इन 1531 1531 में बहादुर शाह है ऑफ गुजरात, बहादुर शाह कहां का था? बहादुर शाह गुजरात का शासक था, मालवा जीता, मालवा को जीत, ठीक है। क्या जीत लिया? मालवा को जीतने का। क्लियर है? अब देखिए कहानी कहां जाती है, फिर दिल्ली में शेरशाह आता है। तो शेरशाह आल्सो अटैक ऑन मालवा इन 1542। शेरशाह ने मालवा जीता, मालवा वाज कंक्वर्ड बाय शेरशाह, मालवा जीता। और शेरशाह की डेथ के बाद यहां पर आएगा बाज बहादुर, बाज बहादुर बिकम द रूलर ऑफ मालवा। इसकी प्रेमिका का नाम रूपवती है, जो राजकाज करने की बजाय प्रेमिका के साथ थोड़ा सा व्यस्त रहता है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का दावा है। यही कारण है कि वो रानी दुर्गावती के आक्रमण में पराजित हो गया। पर देखा जाए नहीं, कुछ बहादुर भी है बाज बहादुर, क्योंकि उसने मुगलों की तरफ से कई बार उसने मुगलों को पीछे खदेड़ने तक विवश कर दिया। मुगल सेना ने जब अकबर के समय आक्रमण किया तो उसने बड़ी बहादुरी से काम दिखाया बाज बहादुर ने, परंतु इतनी बड़ी मुगल सेना का वो पूरी तरह सामना करने में सक्षम नहीं हो पाया। तो फाइनली ही बिकम द मनसबदार ऑफ मुगल, अंत में वो मुगलों का मनसबदार हो गया। एंड मालवा बिकम द पार्ट ऑफ मुगल्स। और मालवा 1561-62 में अकबर के समय मुगल का हिस्सा बन गया। मालवा बिकम द पार्ट ऑफ मुगल। तो यहां तक हमको कहानी समझ में आई, कायथा से लेकर यहां तक, कि अब ये मालवा का क्या हो गया? बन गया। पूरनमल, देखिए पूरनमल रायसेन में है, नितेश पटेल है ना। पूरनमल कहां पर है? रायसेन में। यहां पर कादिर खां है मालवा, ठीक है, कादिर शाह। चलिए आगे बढ़े। अब मुगलों का शासन यहां पर स्थापित हो गया। तो मालवा लंबे समय तक मुगलों का शासन था, जहांगीर भी मांडू में आया, बाबर ने भी चंदेरी जीतने का काम किया, तो ऐसी लंबी स्टोरी है। अब क्या होता, मुगल्स कमजोर होंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्टेड आफ्टर औरंगजेब एंड नादिर शाह आल्सो अटैक ऑन मुगल्स इन 1739। तो मुगल क्या हो रहे, कमजोर हो रहे हैं और मराठों की ताकत बढ़ती चली जा रही। मुगल कमजोर हो रहे हैं और मराठों की ताकत धीरे 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 बढ़ रही है, ठीक है। एक तरफ यूरोपियंस आ रहे हैं, एक तरफ मराठा पावर है, और नॉर्थ से अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के लगातार हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मुगल क्या हो रहे हैं,
कमजोर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक शासक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नंदलाल मंडलोई। इस व्यक्ति ने क्या किया, मुगलों से मान्यता ली और इंदौर शहर को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित कर लिया। किसने किया, नंदलाल मंडलोई ने किया। और बाद में सी नंदलाल मंडलोई ने मराठों को बोला कि मल्हार राव होलकर को कि आप हमारे एरिया से निकल सकते हो और खान नदी के किनारे शिविर लगाने की अनुमति दी। एंड क्या अलाउ नंदलाल मंडलोई अलाउड द मराठास टू पास थ्रू हिज टेरिटरी एंड मल्हार राव होलकर टू कैंप नियर खान नेवर, और जहां कैंप लगाया था मल्हार राव होलकर ने उस जगह को मल्हारगंज के नाम से जाना जाता है, मल्हारगंज। इस नाम जानते हैं, मल्हारगंज के नाम से जाना जाता। तो यहां से अब मल्हार राव होलकर की एंट्री प्रारंभ होती है। अब यहां से होलकर की कहानी शुरू होती, चीज समझ में आ रही है आपको कि कैसे होलकर की कहानी यहां पर शुरू हो रही है। ठीक है, अब ये होलकर कौन है इसको भी देख लेते हैं। होलकर वंश की उत्पत्ति के बारे में, कि होलकर वंश की उत्पत्ति कैसी है, ठीक है, इस उत्पत्ति को देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि होलकर जो है वास्तव में धनकर है, ठीक है, और ये धनकर है जो बाद में बहुत बड़ी शक्तिशाली रॉयल्टी ग्रुप में विकसित हुए और ऐसे क्षेत्र निवास की जो शुष्क था सबसे अधिक उपजाऊ बना दिया, इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। होलकर कहते हैं कि हमारा नाम जो है वो हाल या होल गांव से लिया गया। ये होल या हाल गांव कहां पर है, पूना से 40 किलोमीटर दूर नीरा नदी के किनारे। तो कहते हैं होलकर जो शब्द आया है वो उस गांव से उत्पन्न हुआ, लेकिन वास्तव में धनगर थे, धनगर जाति के लोग थे, लेकिन नाम किसका लिया, गांव का लिया, जो गांव का नाम क्या था, हाल या होल, उस गांव से इन्होंने अपनी उत्पत्ति मानी, इसलिए उस गांव के नाम पर इन्होंने स्वयं को होलकर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया स्वयं। लेकिन एक इतिहासकारों का दावा है कि ये जो होलकर है, जो होल गांव में गए हैं, ये और उससे पहले मथुरा के पास निवास करते थे। कहां निवास करते थे, मथुरा के पास निवास करते थे, और मथुरा से चित्तौड़ गए, चित्तौड़ से फिर पूना के पास जाकर बस गए। मथुरा गए और मथुरा से कहां गए, चित्तौड़ के पास गए और नीरा नदी के किनारे बस गए, और यहीं से होल शब्द से होलकर की उत्पत्ति, समझ में आ रहा है, जिसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक हैं मल्हार राव होलकर, 1728 जन्म है, ठीक है, इंदौर के होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर। लिस्ट आप देख ही चुके हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर के बारे में अगर हम ध्यान दें तो मल्हार राव होलकर जो 1731 से 1766 तक शासन किया है, यहां पर 1731 से 1766 तक शासन किया है। इनका जन्म हुआ 1693 में, बॉर्न इन 1693 एट होल विलेज, वही उसी ग्राम में जन्मे हैं, होल ग्राम में, जिसके नाम पर इनका नाम होलकर पड़ा है। ठीक है, मामा के यहां इनका पालन पोषण हुआ, किसका पालन पोषण हुआ, मामा के यहां इनका पालन पोषण हुआ, ठीक है, और पिता का नाम था खांडेराव होलकर। धीरे धीरे इनके अपनी शक्ति को बढ़ाया और 1721 में पेशवा की सेना में शामिल हुए, 1721 में पेशवा की सेना में शामिल हुए और 1724 में इन्हें 500 घुड़सवारों का सेनानायक बना। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर पेशवा ने इनको 500 घुड़सवारों की सेना का सेनानायक बनाया। देखिए धीरे धीरे इनकी तरक्की हो रही है, ठीक है भाई, इनको इन्होंने क्या किया, युद्ध में निजामुल मुल्क के एक सरदार का सिर काट दिया। पहले ये पेशवा के
सरदार के अधीन, पेशवा के अधीन, सरदार के अधीन नौकरी करते थे, मतलब डायरेक्ट पेशवा के कॉन्टेक्ट में नहीं थे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो निजामुल मुल्क के एक सरदार का इन्होंने सिर काट दिया। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि पेशवा तक पहुंची तो पेशवा ने डायरेक्ट अपनी सेना में भर्ती कर दिया और 1724 में इन्हें 500 घुड़सवारों की सेना का प्रमुख बना। अब यहां से मल्हार राव होलकर की तरक्की होना तय हो गई और कहा कि मालवा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उस समय मालवा में जो है मुगल वंश के अधीन शासन चल रहा, ठीक है, मुगल वंश के अधीन सूबेदार गिरधर बहादुर थे। देखिए ये प्रारंभिक जीवन समझ में आया, तो यहां पर अभी मालवा में किसका शासन था, मालवा में मुगल वंश का शासन था, मुगल वंश का, और यहां पर मुगल का सूबेदार कौन था या मुगलों की तरफ से जो प्रतिनिधि कौन था, प्रतिनिधि का नाम था गिरधर बहादुर। ये कहानी अब शुरू होती है और वहां दूसरी ओर पेशवा मल्हार राव होलकर को मालवा की जिम्मेदारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गिरधर बहादुर थोड़ा सा अयोग्य है, जनता में अलोकप्रिय है, बहुत अत्याचार करता है, जनता उससे त्रस्त है। ये शिकायतें पेशवा तक पहुंच रही, ये शिकायतें किस तक पहुंच रही हैं, पेशवा तक पहुंच रही हैं। और उस समय अगर हम देखें तो मुगल खुद अपनी रक्षा के लिए पेशवा पर निर्भर, और मालवा जैसे उपजाऊ क्षेत्र को कैसे छोड़ दिया जाए, मालवा जैसे उपजाऊ क्षेत्र को कैसे छोड़ दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर मल्हार राव होलकर मालवा की तरफ जाते हैं और खान नदी किनारे कैंप तो लगे ही लगे, इसको मल्हारगंज के नाम से जाना। किसने अनुमति दी थी, नंदलाल मंडलोई ने उसकी अनुमति दी थी, ठीक है, गिरधर बहादुर लिखा हुआ, गिरधर बहादुर, ठीक है। तो अब इनके जीवन में युद्ध होंगे, सारंगपुर का युद्ध, अमझेरा का युद्ध और तिरला का युद्ध। अब एक एक करके हम युद्धों की बात करेंगे, एक सबसे पहले बात करेंगे सारंगपुर का युद्ध जो 1724 में, तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1724 में। तो सारंगपुर का युद्ध जो है ये पहला अभियान है मालवा विजय का, एक मिनट में लिख देता हूं, मालवा विजय का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ मालवा विक्ट्री, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मालवा विक्ट्री, मालवा विजय का पहला चरण कह सकते हैं इस युद्ध को, ठीक है। तो किसके बीच में हुआ, उस समय मालवा का सूबेदार कौन था, भी बताया था, गिरधर बहादुर वर्सेस मराठा, गिरधर बहादुर और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ। कारण, मराठों को भी अपने सत्ता का विस्तार करना है, मराठों को भी अपनी सत्ता का विस्तार करना है, दूसरा जनता की शिकायतें भी पहुंच रही। तो मराठों का लीडर कौन है इस समय, मराठों के लीडर है अप्पाजी और मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर ये इसके नेतृत्व करता है। फाइनली कौन जीतेगा, फाइनली दिस बैटल वॉन बाय मराठास, फाइनली विजय किसको मिली, मराठों को विजय मिली, मराठा जीत का जो पुरस्कार है वो किसको मिला, वो मराठों को मिला, ठीक है। तो ये कहलाता है सारंगपुर का युद्ध, पहला चरण है मालवा विजय का, 1724 में हुआ, गिरधर बहादुर और मराठों के बीच में, मराठों का नेतृत्व जो है अप्पा जी ने किया, चिमनजी अप्पा जी ने किया, मल्हार राव होलकर ने किया, रणोजी सिंधिया ने किया, ठीक है, पवार ने किया। तो सिंधिया, होलकर, पवार, ये तीन लोग आएंगे अभी यहां पर, इन तीनों की भूमिका देखना बदलेगी, कौन कौन है, होलकर है, पवार है और सिंधिया, ये तीनों मालवा को विजय करने के लिए पेशवा द्वारा भेजे जाएंगे, चिमनजी अप्पा जी की सहायता भी इन्हीं लोग करेंगे,
तो ये पहला चरण है जिसमें मराठों को विजय मिली। दूसरा चरण शुरू होता है अमझेरा का युद्ध, 1728 में अमझेरा का युद्ध किसके बीच में हुआ, वही गिरधर बहादुर एवं मराठा, इनके बीच में, इन दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, गिरधर बहादुर मराठा। और नेतृत्व तो कौन करेंगे, फिर से वही लोग, मराठा नेतृत्व तो कौन करेगा, मराठा नेतृत्व अप्पा जी, मल्हार राव, रणोजी सिंधिया, पवार, इन लोगों ने नेतृत्व करने का काम किया। अप्पा जी, मल्हार राव होलकर, किसने किया, अप्पा जी ने किया, मल्हार राव होलकर ने किया, रणोजी ने किया, पवार ने किया। ये युद्ध हुआ अमझेरा का युद्ध, ठीक है। कौन जीता, विजय किसको मिली, मराठा मिलनी थी, मराठा बहुत शक्तिशाली थे उस काल में, विजय किसको मिली, विजय मराठा को मिली। होगा क्या, अब पेशवा बाजीराव क्या करेंगे, मालवा को तीन पार्ट में डिवाइड करते, मालवा डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पार्ट सिंधिया, जिनका केंद्र बनेगा ग्वालियर, दूसरा पार्ट होलकर, जिसका पार्ट बनेगा इंदौर प्रमुख, तीसरा पवार, जो चले जाएंगे उज्जैन में। इस तरह मालवा को तीन भाग में बांटने का काम किया पेशवा ने इस विजय के बाद, कि अब भाई मालवा जो है वो किसका हो गया है, मराठों का हो गया। तो इस तरह मालवा को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया इस अमझेरा के युद्ध के बाद। कि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थ्री मार्कर में जाएगा अमझेरा का युद्ध, ठीक है, फिर तिरला का युद्ध 1731, ये मतलब मालवा पर होलकर रियासत को स्थापित करने का एक अंतिम चरण, ठीक है। कौन सा चरण है, ये अंतिम चरण है तिरला का युद्ध। ये भी किसके बीच में हो रहा है, मुगल सूबेदार दया बहादुर और मराठा। विजय किसको मिल रही है, विजय मराठा, विजय किसको मिली, मराठा। तो ये तिरला का युद्ध जो है बड़ा निर्णायक युद्ध रहा, इससे मराठा अब पूरी तरह से मालवा में स्थापित है। तो ये तीन युद्ध हैं जिन्होंने होलकरों को मराठा ही है जिनको मालवा में स्थापित करने का अवसर दिया। तो मालवा में स्थापित होने का अवसर किसके माध्यम से मिला, इन तीन युद्धों के माध्यम, सारंगपुर का युद्ध, अमझेरा का युद्ध, तिरला का युद्ध। याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इन तीन युद्धों के माध्यम से यहां पर इनको अधिकार करने का अवसर मिला, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर तो होलकर का अधिकार हो गया, और अब मल्हार राव होलकर ने 1731 में क्या करेंगे, होलकर वंश की स्थापना करेंगे, ठीक है, 1731 में अब इंदौर में होलकर वंश की स्थापना हो जाएगी। इंदौर में किस वंश की स्थापना हो जाएगी, होलकर वंश की स्थापना। समझ में आ रहा है, तीनों युद्ध नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। अब बात आती है शासक बनने के बाद युद्ध, किसके बाद बात कर रहे हैं, शासक बनने के बाद मल्हार राव होलकर के युद्ध, शासक बनने के बाद
क्या बनने के बाद? शासक बनने के बाद मल्हार राव होलकर के युद्ध। तो पहला है भोपाल का युद्ध। ये युद्ध दौरान निजाम, निजाम मतलब कहां का निजाम? निजाम आप हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम एवं पेशवा के बीच कहां हो रहा है? भोपाल के पास। किस किस के बीच में हो रहा है? निजाम और पेशवा के बीच में। फिर मल्हार राव की भूमिका क्या है? मल्हार राव जो है वो पेशवा की सहायता के लिए पहुंचे। मल्हार राव ने क्या किया? मल्हार राव ने पेशवा की सहायता की, पेशवा की सहायता, पेशवा की सहायता करने का काम किसने किया? मल्हार राव होलकर ने किया। विजय किसको मिली? विजय मिली मराठों को मिली, मराठा जीते इस भोपाल के युद्ध में। कौन जीते? मराठों की विजय। क्लियर है? अंत में भोपाल के युद्ध में यहीं पर संधि हुई, संधि, इसका नाम है दुरुई सराय की संधि, या कई जगह दोरई सराय भी मिलता है, दुरुई सराय या दोरई सराय की संधि, दुरुई सराय या दोरई सराय की संधि हुई। इस संधि से क्या हुआ? निजाम ने मालवा पर मराठा अधिकार स्वीकार लिया। तो अब लीगली हो गए वो लोग, अब होलकर क्या हो गए? लीगली कानूनी रूप से मालवा के शासक गए। तीन युद्ध लड़े, सारंगपुर, अमझेरा, तिरला, और होलकर वंश की स्थापना हुई। भोपाल का युद्ध हुआ हैदराबाद के निजाम और पेशवा के बीच में, पेशवा की सहायता करने के लिए मल्हार राव होलकर पहुंच गए, और विजय मिली मराठों को, संधि हुई दुरुई सराय की संधि, और जहां निजाम ने इस संधि के तहत मालवा पर मराठा अधिकार को स्वीकार कर लिया। जब मराठा अधिकार को स्वीकार कर लिया तो अब क्या बचा? लीगली हो गए ना होलकर, होलकर जो है कानूनी रूप से यहां के अधिकारी हो गए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। अगला युद्ध है भलकी मुकाम का युद्ध। उसके बीच में एक दो छोटे मोटे काम भी हैं जो किए गए हैं मल्हार राव होलकर के द्वारा। 1739 में, 1739 में, पर वो मालवा संबंधित नहीं इसलिए मैंने उसको यहां लिखा नहीं। 1739 में जब पुर्तगालियों पर आक्रमण करना था तो इन्होंने चिमनाजी अप्पा को सहयोग किया, जिसके कारण मराठों को बसीन के किले पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। किस पर अधिकार मिल गया? बसीन के किले पर अधिकार। तो यहां अलग से लिख लेते हैं 1739। कहां गए मल्हार राव? मल्हार राव अप्पा जी की सहायता करने, जी की सहायता की, वो पुर्तगालियों से बसीन जीता, ठीक है, मालवा संबंध नहीं है, पर कभी मल्हार राव होलकर की सैन्य उपलब्धियां लिखने आ जाएं तो आप कम से कम मल्हार राव होलकर की सैन्य उपलब्धियां तो लिख दोगे ना, कि मल्हार राव होलकर की सैन्य उपलब्धियां क्या क्या है। तो सैन्य उपलब्धियां कैसे लिख पाओगे जब तक ये नहीं पढ़ोगे आप? एक और लिख लेंगे 1741, 1741, 1741 में क्या हो रहा है? 1741 की अगर हम बात करें, 1741 से लेकर 43, तो मूलतः 43 मान लीजिए इसको, 1743 यहां पर ये जाएंगे माधो सिंह को सहायता देंगे। माधो सिंह, ये माधो सिंह कौन है? माधो सिंह जो है जयपुर के राजा हैं, अभी मतलब राजा नहीं बने, पर माधो सिंह जो है जयपुर के शासक बनेंगे, जयपुर के शासक। मल्हार राव की सहायता से बने, की हेल्प से बने,
मल्हार राव ने हेल्प की तो क्या बन गए, जयपुर के शासक बन गए। बदले में रामपुर और भानपुरा किसको मिल गया, होलकर को मिल गया। इस तरह राज्य का विस्तार हो गया, रामपुर और भानपुरा मिल गए। ये दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है 1739-1743, ये दोनों आप याद रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। चलिए अब आता है भालकी मुकाम का युद्ध। ये भालकी मुकाम का युद्ध क्या है, ये अभी तक देखो भोपाल के युद्ध में निजाम और पेशवा की लड़ाई हुई थी, जिसमें से पेशवा की सहायता के लिए मल्हार राव होलकर गए थे। अब ये डायरेक्ट लड़ाई हो रही निजाम और निजाम एवं मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की डायरेक्ट लड़ाई हो रही है, जिसमें विजय किसको मिलेगी, विजय मिलेगी मल्हार राव। इसको कहते हैं भलकी मुकाम का युद्ध 1752, जिसमें निजाम को मल्हार राव होलकर ने पराजित कर दिया, ठीक है, याद है कोई डाउट। 1754 में भरतपुर पर चढ़ाई की जा रही, भरतपुर राज्य पर आक्रमण, मल्हार राव होलकर अटैक ऑन भरतपुर स्टेट, ठीक है, भरतपुर राज्य पर क्या हो रहा है, आक्रमण किया जा रहा है। यहां पर भरतपुर का राजा कौन है, भरतपुर का राजा सूरजमल, याद करें आप सूरजमल, जाट रूलर है सूरजमल। तो यहां पर एक किला है जिसका नाम है कुंभेरी, किले का नाम क्या है, कुंभेरी, किला जो है उसका नाम क्या है, कुंभेरी का किला है, ठीक है। तो अब यहां पर लड़ाई हुई और यहीं पर मल्हार राव होलकर का एकमात्र पुत्र खांडे राव मारे गए, खांडे राव की मृत्यु। खुले मैदान में पालकी से निरीक्षण कर रहे थे सेना का, तोप का गोला चला और खांडे राव की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई, खांडे राव की मृत्यु। ये समझ में आया आपको, कुंभेरी का युद्ध 1754 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध में खांडे राव की मृत्यु हो गई, और खांडे राव की पत्नी का नाम ही अहिल्याबाई, खांडे राव की पत्नी का नाम, ठीक है, समझ में आ रहा है। पानीपत के पहले दो काम और किए मल्हार राव ने, 1757 में दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण, 1758 में लाहौर तक पहुंच गए, लाहौर विजय, यद्यपि उसका मालवा से कोई संबंध नहीं, इसलिए यहां डिटेल लिखा नहीं है इसका, ठीक है, रघुनाथ राव के साथ गए थे, खुद डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया था मल्हार राव ने, किसके साथ गए थे, रघुनाथ राव के साथ गए थे और लाहौर को जीता, पर लाहौर उनको मिला नहीं, लाहौर उनके राज्य का हिस्सा नहीं था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर मल्हार राव की उपलब्धियां हैं कि 1757 में दिल्ली पर आक्रमण और 1758 में रघुनाथ राव के साथ मिलकर लाहौर को जीता, किसके साथ मिलकर, रघुनाथ राव के साथ मिलकर, याद रहेगा। अब बात आती है पानीपत का तीसरा युद्ध, ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, 14 जनवरी 1761 को, मराठों के दुखदाई, मराठों के कमजोर होने का, मराठों के पतन के कारणों में एक बड़ा कारण है पानीपत के तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध में मल्हार राव होलकर ने काफी सलाह दी, परंतु ये सलाह मानी नहीं गई, ठीक है, युद्ध की रणनीति के कारण दोनों में मनमुटाव हो गया और मल्हार राव होलकर वहां से चले आए। मल्हार राव के आ जाने से क्या हुआ, मल्हार राव बच गए, परंतु बहुत सारे मराठा
प्रमुख सेनापति सदाशिव राव, विश्वास राव सब चले गए। तो अब यहां होलकर ही सीनियर में बचे हुए, तो होलकर सीनियर में बचे होने के कारण होलकर रियासत के विकास में मल्हार राव होलकर एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में भूमिका निभाने का कार्य किया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? किसके साथ मनमुटाव हो गया? विश्वास राव के साथ मनमुटाव हो गया, तो वापस आ गए, ठीक है। परंतु बेटे की मृत्यु, पानीपत के युद्ध में मराठों की हार, तो बेचारे कमजोर हो गए, थोड़ा सा दुखी भी हो गए, परंतु वो निरंतर संघर्ष करते रहे, ठीक है। तो ये युद्ध याद रहेंगे आपको। अन्य प्रमुख का अन्य प्रमुख कार क्या है मल्हार राव होलकर के? अन्य प्रमुख कार लिख देंगे आप। 1764 में शुजाउद्दौला को सपोर्ट किया, शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन दिया, सपोर्टेड शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शुजाउद्दौला अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के विरुद्ध शुजाउद्दौला को समर्थन दिया। अब नो डाउट शुजाउद्दौला को समर्थन देंगे, शुजाउद्दौला तो हार जाएगा। क्या हुआ था जब ये युद्ध हुआ था? दतिया, झांसी और गोहद यहां के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, तब मल्हार राव होलकर ने इन्हें सबक सिखाना चाहा। इन तीन राज्यों पर मल्हार राव ने आक्रमण किए। देन मल्हार राव अटैक ऑन थ्री दीज थ्री अबव थ्री स्टेट, इन राज्यों पर मल्हार राव ने आक्रमण किया सबक सिखाने के लिए कि भाई तुम अंग्रेजों का साथ क्यों नहीं क्यों दे रहे हो। दतिया, झांसी और गोहद, दतिया, झांसी और गोहद इन तीन राज्यों के राजाओं को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया और 1766 में मल्हार राव की आलमपुर जगह पर, कौन सी जगह पर? आलमपुर नामक जगह पर मृत्यु। कहां मृत्यु हो गई? आलमपुर में मृत्यु, ठीक है। कहां मृत्यु हो गई? आलमपुर में मृत्यु हो गई 1766 में, जहां पर इनकी पुत्रवधू यानी अहिल्याबाई होलकर ने इनकी समाधि या जिसको छतरी कहा जाता है उसका निर्माण करवाने का। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि इनने निर्माण कार्य क्या करवाया, तो इन्होंने यहां लिख देता हूं निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। पहला तो मल्हारगंज बनाया, दूसरा राजवाड़ा, तीसरा लिख लेंगे छतरीबाग, इनका निर्माण करवाने का काम किया। क्लियर है? इसका निर्माण करवाया छतरीबाग, राजवाड़ा और मल्हारगंज का निर्माण करवाया, याद रहेगा। तो ये है मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर की विजय 50 वर्ष में आ सकती है, तो वो जो 3, 4, 7 युद्ध लिख देंगे काफी हो जाएंगे, 50 शब्द अपने आप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हुआ मल्हार राव होलकर? कोई डाउट आपको? ये देखिए, ये है मल्हार राव होलकर द्वारा बनवाया गया राजवाड़ा, ये राजवाड़ा है, ये छतरीबाग और ये आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी है, मल्हार राव होलकर की छतरी है आलमपुर भिंड जिले में, जिसे किसने बनवाया? अहिल्याबाई होलकर द्वारा, जिसका निर्माण कराया। इसका निर्माण किसने करवाया? अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया, ठीक है। इसके बाद अगले शासक बनेंगे
मालेराव होलकर। अहिल्याबाई के एकमात्र पुत्र है मालेराव होलकर, एकमात्र पुत्र है मालेराव होलकर, बच्चा है, छोटा सा है, इसलिए अहिल्याबाई इनकी संरक्षिका बनी। अहिल्याबाई क्या बनी? इनकी संरक्षिका बनी। अहिल्याबाई संरक्षिका बनी, ठीक है, और उनके देखरेख में इसने शासन करना प्रारंभ किया। इसने मालेराव, मालेराव कौन है? अहिल्याबाई और खांडे राव का लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है माले राव। परंतु इसकी भी डेथ हो गई मस्तिष्क ज्वर हो जाने के कारण, मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में पति भी चले गए हैं, पुत्र भी चले गए हैं, ससुर भी नहीं, तब इस राज्य को संभालने का काम करेंगे कौन? बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं रितेश पटेल, आलमपुर भिंड। इस राज्य को संभालने का काम करेंगे कौन? अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, अहिल्याबाई होलकर के बारे में, और कल हमारा होलकर वंश एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा है लग रहा है तो फीडबैक दीजिए जरूर, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, शुभकामनाएं।